Hello to everyone, this is Suyesh here, and in today's video we'll be discussing a topic that is thorax and thoracic cage anatomy. So basically we'll be seeing the thoracic cavity in detail. So ये वाली जो वीडियो होगी ये दो पार्ट में होगी. सो पहले पार्ट में हम बेसिक थोरेसिक कैविटी की बाउंड्रीज की बात करेंगे, ठीक है, और उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो उसका शेप क्या होता है एडल्ट में, इन्फेंट में, वो सारी चीज़ें बात करेंगे, रिलेशंस की बात करेंगे. उसके बाद इस वीडियो में सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर की बात करेंगे, ठीक है. जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इन्फीरियर थोरेसिक अपर्चर की बात करेंगे, या तो कह सकते हो थोरेसिक आउटलेट की, जिसमें हम डायफ्राम की बेसिकली बात करेंगे. सो दो पार्ट में वीडियो होगी आपकी. तो ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है. तो हम बेसिक थोरैक्स के बारे में समझेंगे, स्टार्ट करते हैं. सो थोरैक्स होता क्या है, पहले तो एक दो लाइन इसके बारे में डेफिनेशन देख लेते हैं. तो थोरैक्स क्या होता है, ये होता है एक स्केलेटल फ्रेमवर्क, ठीक है. स्केलेटल फ्रेमवर्क का मतलब ये बोन से होता है, इसके अंदर कार्टिलेज होती है, मसल्स होती हैं. तो इनसे मिलके ये एक केज टाइप का या कैविटी टाइप की एक फॉर्मेशन होता है हमारे चेस्ट रीजन में. तो थोरैक्स का सिनोनिम कह सकते हो कि इसको हम चेस्ट भी कहते हैं, ठीक है. तो ये एक सिनोनिम वर्ड है थोरैक्स के लिए, चेस्ट जिसको हम कहते हैं. तो फिर ये फॉर्म किससे होता है, देखो, ऑस्टियो कार्टिलेजिनस नेचर, मतलब इसमें बोन्स भी होती हैं, ऑस्टियो मतलब बोन्स, और इसमें कार्टिलेज भी होते हैं, जैसे कि कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है. और ये इलास्टिक इन नेचर होता है. इलास्टिक इन नेचर का देखो मतलब क्या है, यहाँ पे इसका बेसिक जो रीज़न है इलास्टिक कहने का, ये है कि इसके अंदर ये इस तरीके से बना है, जब हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हो, बेसिक आपका जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है उसमें ये अपने आप को ये इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ा सकता है और घटा सकता है, मतलब कि एक्सपैंड कर सकता है. और जब आप एक्सपिरेट करोगे, मतलब एक्सपिरेशन करोगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है. तो रिलैक्स कर सकता है, मतलब इंट्राथोरेसिक प्रेशर को बढ़ा सकता है और कम कर सकता है. तो वही लाइन मैंने लिखी है, सो इट इज़ डिज़ाइन फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द इंट्राथोरेसिक प्रेशर सो दैट एयर इज शक्ड इन टू द लंग्स ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन, ठीक है. तो जो मैंने समझाया बेसिक इसका इलास्टिक कहने का मतलब ये है, ठीक है. तो अब हम इसको एक बार डायग्राम पे देख लेते हैं कि कैसा ये दिखाई देता है, फिर हम बाउंड्रीज की बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की. तो ये देखो, ये है डायग्राम. अब तुम ये देख रहे हो, चलो ये वाला नहीं, पहले तुम इससे स्टार्ट करते हैं. अब तुमने ये देखा, ये बेसिक, देखो ये स्केलेटल फ्रेमवर्क है हमारा. देखो ये बोन्स हैं, ये ब्लू वाले तुम देख रहे हो, ये कोस्टल कार्टिलेज है, ठीक है. और ये बेसिक तुम्हारी बोन्स है, और ये पूरा चेस्ट रीजन है हमारा, ठीक है. जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर लाई करता है. फिर ये इसका देखो शेप है, और मैंने जैसा बोला कि ये सुपीरियरली इसके क्या होता है, थोरेसिक इनलेट, ठीक है. इसको थोरेसिक इनलेट कहते हैं, या तो सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर कहते हैं. इसके हम इसी वीडियो में बात करेंगे लास्ट में. और ये नीचे वाला तुम देख रहे हो ना, ये मस्कुलर पार्ट, ये किससे बना होता है, ये डायफ्राम से बना होता है. इसको हम कहते हैं थोरेसिक आउटलेट या फिर इन्फीरियर थोरेसिक अपर्चर, ठीक है. तो इसको थोरेसिक आउटलेट कहते हैं. तो ये बेसिक मतलब ओवरव्यू हो गया आपका थोरेसिक कैविटी का. तो ऐसे ये प्रेजेंट करती है. फिर ये तुम डायग्राम देखो. अब चलो हम थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसमें आते हैं. अब देखो फॉर्मेशन की हम बात करें तो थोरेसिक केज, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है एक्चुअली, जो इंटीरियर पोर्शन है उसका, वो किससे बना होता है, मतलब उसका फॉर्मेशन किससे होता है, स्टर्नम से, ठीक है. तो स्टर्नम एक बोन पार्ट है, बोन फॉर्मेशन है. स्टर्नम एक बोन है, उससे इसका एंटीरियर पार्ट बना होता है. फिर पोस्टेरियरली कैसे होता है, पोस्टेरियरली ये बना होता है 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से, मतलब कि T1 से लेके हमारा T12 तक. सो T1 से T12 के जितने थोरेसिक वर्टिब्रा हैं, इसको पोस्टेरियरली थोरेसिक केज को फॉर्म करते हैं. और हर वर्टिब्रा के बीच में हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, तो वो भी फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है. फिर हम लैटरली की बात करेंगे, तो ये लैटरली 12 पेयर्स ऑफ रिब्स से फॉर्म होता है, मतलब उसके साइड में, जैसे स्टर्नम हमारा एंटीरियर है, तो उसके लेफ्ट और राइट में क्या होगा, 12 पेयर्स ऑफ रिब हो गया. अभी मैंने डायग्राम दिखाया था, तो सेम चीज़ हम अभी समझ रहे हैं. उसके बाद कोस्टल कार्टिलेज होता है हमारा, जो कोस्टल कार्टिलेज होता है वो इलास्टिक नेचर प्रोवाइड करता है. तो जो कोस्टल कार्टिलेज हर रिब का होता है, वो स्टर्नम से आर्टिकुलेशन करता है, ठीक है, एंटीरियरली. फिर ईच साइड में इसके कोस्टल कार्टिलेज होता है, ठीक, अगल बगल कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है. तो अब तुम ये डायग्राम देखो, जैसे हमने बात करी, अब तुम देखो ये वाला हमारा, देखो ये पूरा हमारा थोरेसिक केज है या थोरेसिक कैविटी है, ठीक. अब तुम एंटीरियरली देख रहे होगे, ये वाला पोर्शन जो है, ये हमारा एंटीरियरली किस बोन से बन रहा है, ये एंटीरियर, ये हमारी स्टर्नम है, ठीक है. मैनुब्रियम है ये स्टर्नम का ये पार्ट है, मैनुब्रियम स्पेसिफिक, ठीक है. इसी तरह ये बॉडी ऑफ स्टर्नम है, तो पूरी ये बोन हमारी स्टर्नम है, ठीक है ना. इतना क्लियर हुआ. अब इसके बाद तुम देखो, अब
ऊपर से जैसे मैंने कहा कि पीछे की तरफ उसके क्या होता है, वर्टेब्रल कॉलम होता है, तो पोस्टेरियरली हमारा वर्टेब्रल कॉलम है। ठीक है, अब हम एक दूसरा डायग्राम में देखते हैं, ये वाला डायग्राम देखो। तो ये देखो, ये स्टर्नम हो गया एंटीरियरली हमारा, ईच साइड में देखो रिब है, ठीक है, ये लैटरली कह सकते हो दोनों साइड, और साइड में हमारे कोस्टल कार्टिलेज भी होता है। तो रिब एंड कोस्टल कार्टिलेज आप लैटरली को ईच साइड को एक ही बात है, और पीछे की तरफ हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा है। ठीक है, तो और ये यहाँ पे आर्टिकुलेशन हो रही है ट्रांसवर्स प्रोसेस से। ठीक है, अभी हम उसकी बात करेंगे। तो देखो बेसिक बेसिक मोटा मोटा यही है कि इसमें एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर किससे बना होता है, साइड से किससे बना होता है। ठीक है, बोनी ओरिजिन क्या है। ठीक है, अब रिब्स की बात कर लेते हैं। रिब केज इज फॉर्म्ड बाय स्टर्नम, कोस्टल कार्टिलेज एंड रिब्स अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, थोरेसिक केज, रिब केज एक ही बात है। तो ये हो गई बात हमारी बेसिक बेसिक। अब शेप की बात करते हैं। शेप इसका कैसा होता है, ट्रंकेटेड कोन का होता है, मतलब ऊपर की तरफ से नैरो होगा, देखा तुमने डायग्राम में, ऊपर नैरो होगा, नीचे की तरफ ब्रॉड होगा। तो नैरो अबव वही लाइन मैंने लिखी और ब्रॉड बिलो, क्लियर। अब इसके आगे देखो, अब जो ऊपर वाला पार्ट जो नैरो है वो कंटिन्यूअस किससे होता है, रूट ऑफ द नेक से, मतलब ऊपर की तरफ जो नेक का पार्ट है उससे ये कंटिन्यूअस होता है। और ये सेपरेट किससे होता है, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन से। तो सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन एक सिप्शन फेशिया होता है, उसको कहते हैं। अभी हम आगे उसकी भी बात करेंगे। तो अभी अभी बस ये वर्ड याद रखो कि सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो सेपरेट करती है, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब नीचे ब्रॉड होता है, तो नीचे ब्रॉड एंड जो होता है वो सेपरेट किससे होता है, डायफ्राम से। तो डायफ्राम एक मस्कुलर मसल है एक तरीके की, जो उसको सेपरेट करती है नीचे एब्डोमिनल कैविटी से। ऊपर हमारी थोरेसिक कैविटी है, नीचे एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम हमने देखा था अभी, ये वाला, ये देखो। अब ये जैसे हमने देखा था ना, ये ऊपर की तरफ थोरेसिक कैविटी है, अब बीच में हमारा ये येलो तुम देख रहे हो, ये हमारा क्या है, ये डायफ्राम है। सो डायफ्राम इसको सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो नीचे देख रहे हो ये ब्रॉड है, ऊपर देखो ये नैरो है। ठीक है, इसी की हमने बात कर ली। तो इसी कैसा देख रहा है, ट्रंकेटेड कोन जैसा। ठीक है, इसमें भी देख सकते हो, ये नीचे तुम देख रहे हो ये रेड रेड, ये मस्कुलर लेयर है। ठीक है, डायफ्राम है ये हमारा, और ये इन्फीरियर थोरेसिक अपर्चर है, ऊपर हमारा सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर है ये। ठीक है, ये जो हमारा देख रहे हो ना, ये रेड रेड, ये हिस्सा हमारा नीचे का, ये वाला हिस्सा इन्फीरियर, और इसी की हमें डिटेल में बात करनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एडल्ट थोरैक्स दिखता कैसा है। तो एडल्ट थोरैक्स दिखता कैसा है, ट्रांसवर्स सेक्शन पर किडनी शेप का दिखता है, मतलब सिटी स्कैन करोगे आप तो आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में किडनी शेप का दिखेगा एडल्ट में, क्योंकि रिब्स ऑब्लिकली प्लेस होती है एडल्ट में। और इसी तरह इन्फेंट जो होता है लेस देन 2 ईयर्स, उसमें सर्कुलर होता है सिटी स्कैन या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन में, और रिब्स इसमें हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो बेसिकली ये है इसमें, इसका रीज़न ये है कि इसमें हमारी सिर्फ एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है, क्योंकि हमारा थोरैक्स एक्सपेंड नहीं कर पाता। तो इन्फेंट में बच्चा जो होता है उसका मैकेनिज्म रेस्पिरेशन एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है, इसमें थोरैको एब्डोमिनल होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिब्स है हमारी ऑब्लिकली प्लेस्ड है, जिसके कारण हमारी रिब्स जो है वो एक्सपैंड कर सकती हैं थोरैसिक केज को, जिसके कारण हम थोरैको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं, मतलब कि थोरैक्स से भी कर सकते हैं, एब्डोमिनल मसल्स का भी रोल आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी एडल्ट थोरैक्स में शेप की, बेसिक शेप ट्रंकेटेड को। ठीक है, अब आगे आते हैं हम सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, जो इस वीडियो का मेन पार्ट है। ठीक है, तो मैं थोरैक्स समझ में आ गया होगा कि थोरैक्स कहाँ लाई करता है, क्या होता है। ठीक है, उसके मेन मेन कंपोनेंट जैसे उसमें मीडियास्टिनम आता है, प्लूरल मेम्ब्रेन्स आती हैं। ठीक है, इससे बना होता है बेसिक बेसिक, इसके अंदर मीडियास्टिनम होती है, जो जिस बेसिकली हार्ट आपका, ईसोफेगस, ट्रैकिया और बहुत सारी सिस्टमिक वेसल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब मीडियास्टिनम की वीडियो मैंने बना रखी है, वो अलग टॉपिक है, वो आप देख लेना, मैं आई बटन में लगा दूंगा, मेरे चैनल पर है वो वीडियो मीडियास्टिनम की। ठीक है, दो पार्ट्स में है, वॉच कर लेना, मीडियास्टिनम समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर मैंने दिखाया था क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये थोरेसिक कैविटी होती है जो कम्युनिकेट करती है रूट ऑफ द नेक से, किससे, एक नैरो ओपनिंग होती है जिसको हम सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर कहते हैं। ठीक है, देखो इस डायग्राम में देखो, ये देखो ये थोरेसिक इनलेट है हमारा। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था इस वाले डायग्राम में, देखो ये वाला। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा नेक होगा, तो ये नेक से कम्युनिकेट करेगी। ठीक है, हमने वही लाइन लिख दी, कम्युनिकेट विद सुपीरियर सुपीरियर थोरेसिक कम्युनिकेट विद रूट ऑफ द नेक। ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं इसके डिटेल्स की बात, इसकी बाउंड्रीज की बात करते हैं। तो इसके देखो सुपीरियर बॉर्डर एंटीरियरली इसका क्या होता है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मैनुब्रियम। सो ये देखो ये मैनुब्रियम हमारा, ये
ये जो स्टर्नम है, ये जो स्टर्नम है इसका ये मैनुब्रियम पार्ट है, ठीक है। तो ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है, तो ये एंटीरियरली आ रहा है सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर के, ठीक। अब दूसरा हमारा क्या है, पोस्टीरियर बॉडी ऑफ T1 वर्टिब्रा, ठीक है। पीछे की तरफ हमारी ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये T1 वर्टिब्रा है, इसकी बॉडी आएगी इस डायग्राम में देखो। ये देखो ये ना, तो इसमें देखो पीछे की तरफ ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर है, ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ T1 वर्टिब्रा, इसी को मल्टीपल बॉडी भी कहते हैं, या तो आप एंटीरियर बॉर्डर कह सकते हो, ठीक है। ये अपर बॉर्डर ऑफ मैनुब्रियम स्टर्नी हमारा क्या बनाएगा, एंटीरियर बाउंड्री थोरैसिक इनलेट की, ये पोस्टीरियर बाउंड्री, ठीक है। और ईच साइड क्या होता है, ईच साइड जैसे डायग्राम में देखो मैंने लिखा है मीडियल मार्जिन ऑफ फर्स्ट रिब एंड इट्स कार्टिलेज, तो मतलब कि ये जो थोरैसिक इनलेट है इसके लैटरली कह सकते हैं ईच साइड में हमें क्या मिलेगी, फर्स्ट रिब मिलेगा, फर्स्ट रिब का ये जो मीडियल बॉर्डर है ना ये होगा, ठीक है। तो ये इसकी ईच साइड में आएगा, तो मीडियल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज प्लस मीडियल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट, तो दोनों मिला के ये हमारी ईच साइड से बाउंड्री बनाएंगे थोरेसिक इनलेट की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फीचर्स के बारे में जो सुपीरियर थोरेसिक इनलेट में हमको देखते हैं, सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर में हमको देखने को मिलता है। तो जैसा कि अपर एंड ऑफ द इंटीरियर बाउंड्री लाइज 1.5 इंचेस बिलो द अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर बाउंड्री, अभी मैं डायग्राम पे आपको इस लाइन को समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद बिकॉज फर्स्ट रिब स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है, फर्स्ट रिब जो होती है वो स्लोप करती है डाउनवर्ड, जिसके कारण हमें ये 1.5 इंचेस जो हमारी एंटीरियर बाउंड्री है वो बिलो होती है पोस्टीरियर बाउंड्री से, अभी मैं डायग्राम पर रिलेट कराता हूँ। एंड फॉरवर्ड फ्रॉम देयर पोस्टीरियर एंड टू एंटीरियर, ठीक है। देखो अब इस लाइन दोनों लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। अभी इस डायग्राम में देखो ये वाला, ठीक है। अब ये देखो, अब जैसा हमने लिखा है यहाँ पे कि अपर एंड ऑफ द इंटीरियर बाउंड्री लाइज 1.5 इंचेस बिलो द अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर बाउंड्री, सो ये तो हमारी जो है ये पोस्टीरियर बाउंड्री है थोरैसिक इनलेट की, ठीक है। ये पोस्टीरियर है, ये इंटीरियर है, ये जो हमारा है मैनुब्रियम स्टर्नम का अपर बॉर्डर है या अपर एंड ऑफ द इंटीरियर बाउंड्री कह सकते हो, ठीक है। ये पोस्टीरियर एंड ऑफ द बाउंड्री होगी। अब इसके बीच में एक प्लेन बन रहा है जिसको हम प्लेन ऑफ थोरैसिक इनलेट कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारा थोरैसिक इनलेट है उसका जो ये क्या कहते हैं इसको, जो ये रिब का जो स्ट्रक्चर है ये कैसे लाई कर रहा है, तो ये देखो ये एक 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। यही लाइन हमने लिखी है कि बिकॉज द फर्स्ट रिब स्लोज डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्रॉम देयर पोस्टीरियर एंड टू एंटीरियर, सो क्योंकि हमारा जो इंसर्शन है रिब का वो यहाँ से है, तो रिब एक्चुअली ऐसे जा रही है मान लो पीछे की तरफ, ठीक है, जिसके कारण ये एक स्लो फॉर्म कर रही है किधर से, पीछे से पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ठीक है। तो यही लाइन हमने लिखी है, फर्स्ट रिब स्लोज डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्रॉम पोस्टीरियर एंड टू एंटीरियर, ठीक है। और 1.5 इंचेस बिलो होता है, तो ये तुम देख सकते हो, तुम इस डायग्राम से खुद ही समझ सकते हो कि ये 1.5 इंचेस एंटीरियर बॉर्डर हमारा नीचे होता है पोस्टीरियर से। देखो ये रहा हमारा पोस्टीरियर का लेवल और ये रहा हमारा एंटीरियर का लेवल, तो ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 इंचेस है, ठीक है। इस लाइन का यही मतलब था। आगे बढ़ते हैं, देयरफॉर द प्लेन ऑफ थोरैसिक इनलेट स्लोप्स ऑन ऑब्लिकली ऑफ एंगल ऑफ 45 डिग्री, सो ये जो एंगल बन रहा है ये थोरैसिक इनलेट लाइन का प्लेन का ये कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एंड T3 एंड T4 लाइज एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सो जो T3 होता है ये अब सेम लेवल पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें सेम लेवल पे आ जाती हैं, बस ये T1 और कुछ कुछ कभी कभार T2 होता है, बट सेम एंगल पे नहीं होता, लेकिन ये एकदम सेम हॉरिजॉन्टल पे T2 नहीं होता, ठीक है। बट T3 से सारी चीज़ें लेवल पे आ जाती हैं, ठीक, क्लियर। अब डायफ्राम ऑफ सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर इज कॉल्ड एज सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, सो हमने जो स्टार्टिंग में बोला था मैंने आपको कि पार्टली अपर जो थोरेसिक हमारा इनलेट है या नैरो जो अपर पार्ट है वो किससे सेपरेट होता है, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो इसकी अब हम बात करते हैं, इसको हम सिप्शंस फेशिया कहते हैं, ठीक है। ये सिप्शंस फेशिया एक्चुअली क्या कह सकते हैं उसको, नॉन रीजनरेटेड पार्ट जो हमारा स्कैलीन मिनिमस मसल का होता है उसका ये पार्ट होता है, ठीक है, टेंडन कह सकते हो तरीके उसका बना होता है। तो एक्चुअली ये प्रोटेक्शन देता है हमारी प्लूरल कैविटी को, या कह सकते हो अपेक्स ऑफ द लंग्स को, ठीक। सो थोरेसिक इनलेट ऑन अदर साइड इज क्लोज बाई डेंस फेशियल शीट कॉल्ड एज सिप्शन फेशिया, और इसकी एक्सटेंशन कहाँ से होती है, अपेक्स से होती है, मतलब ये स्टार्ट होता है हमारे अपेक्स से, ठीक, एट द टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रा। सो ये स्टार्ट किससे हो रहा है, इसका एपेक्स स्टार्ट हो रहा है ट्रांसवर्स प्रोसेस C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 से, उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस से, और बेस कहाँ जा रहा है, इनर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब एंड इट्स कोस्टल कार्टिलेज। अब देखो ये सिप्शन फेशिया होता क्या है, अब इस डायग्राम में देखो, ये डायग्राम देख रहे हो, अभी हमारा देखो जैसे हमने लाइन लिखी ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C17 बटे ये हमारा एपेक्स है, ये इसकी एक्सटेंशन हो रही है, और ये ग्रीन वाला तुम देख रहे हो ये हमारा सिप्शन फेशिया है, और ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है हमारी इनर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, तो ये हमारी फर्स्ट रिब है,
और इसका इनर बॉर्डर है तो रिब का भी और कोस्टल कार्टिलेज का भी, तो ये इसके एक्सटेंशन हो गए। ठीक, अब इसका काम क्या है, अब जैसे तुम ये ट्रांसवर्स सेक्शन अगर देखोगे क्रॉस सेक्शन में, तो ये हमारी ग्रीन लाइन हमारी है सिप्सन फेशिया, इसी को सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारा देखो लंग है, ये पिंक पार्ट तुम देख रहे हो पर्पल, ठीक, इसके ऊपर हमारा सर्वाइकल प्लूरा है जो कवर कर रहा है, और इसी के पास हमारी ये हमारा जो है ये थोरेसिक इनलेट है। ठीक है, तो ये इस वाले डायग्राम में देखोगे ना तो देखो अच्छे समझ में आएगा। देखो हमारी ये लंग्स है ना, तो ये लंग्स का देखो अपर पार्ट है, तो ये प्लूरल कैविटी एक्चुअली राइट और लेफ्ट, और बीच में हमारा ग्रीन वाला मीडियास्टिनम है। ठीक, तो मीडियास्टिनम एकदम अलग पार्ट है। ठीक है, क्लियर, तो ये हो गई हमारी बात इसकी सिप्शन फेशिया की। अब सिप्शन फेशिया का कुछ फंक्शन होता है उसको बताता हूँ मैं। अब जैसे सिप्शन फेशिया हमारा प्लूरा के ऊपर है तो ये कुछ प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, अब प्रोटेक्शन किस तरीके के करेगा, देखो उसका फंक्शन होता है रेजिस्ट करता है इंट्राथोरेसिक प्रेशर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन सो दैट द रूट ऑफ द नेक इज़ नॉट पफ्ड अप। सो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के वक्त ऐसा होता है कि ये प्रेशर जो आ रहा है इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंस्पिरेशन लेने पे, वो एक्सपैंड होकर रूट ऑफ द नेक में पफ ना हो, उसके कारण ये फेशिया उसी के लिए बना होता है तो उसी से ये रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, रूट ऑफ द नेक को। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट हमारा है कि अब जो ये थोरेसिक इनलेट है हमारी, ये जो सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर है, इसमें से स्ट्रक्चर्स कौन कौन से पास करते हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर का देखो तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि इसे तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, और बेसिक एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन डायग्राम आप गूगल से देख लेना, उसमें आपको सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या पास करता है, आर्टरीज हैं, मसल्स हैं, नर्व्स हैं, वेन्स हैं, एक एक चीज़ बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो आपको ईजी रहेगा, मैं ऐसा थोड़ा सा कर देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये स्ट्रक्चर्स पास करते हैं बेसिकली मसल्स, आर्टरीज, नर्व्स, वेन्स, लिम्फैटिक्स एंड अदर। जैसे मेन मेन आपकी हर्ट होता है, ट्रैकिया होता है, इसोफेगस होता है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। ठीक है, एपेक्स ऑफ द राइट एंड लेफ्ट लंग्स, बेसिक। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डायफ्राम के बारे में, और उसी को हम इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर कह सकते हो या तो थोरेसिक आउटलेट, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।